Party season is on. ये parties बहुत ही अच्छा मौका होते हैं दोस्ती बढ़ाने के और business networking करने के और आपके contact बढ़ाने के. आज हम देंगे आपको body language in party के tips. Parties में जब आप जाएं तो खासकर अपने dressing का ख्याल रखिए. आपकी ड्रेसिंग पार्टी के थीम से मिलती जुलती हो, ऐसा कुछ ड्रेस हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें. अगर आप पार्टी के लिए अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करते हो तो उस ड्रेस में आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है. लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो हमारी ये टिप्स फॉलो कीजिए. जब आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे ही नहीं और महसूस भी करेंगे. पार्टी में एंटर करते हैं तो ऐसा ना दिखाइए कि वहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हैं. ऐसे पर्सन को ढूंढिए जिसे आप जानते हैं, या तो फिर पार्टी के होस्ट या होस्टेस से सीधा जाके मिलिए. जब आप पार्टी में चलते हैं तो कई बार ऐसे चलते हैं जैसे आप यहाँ पे किसी को जानते नहीं हैं. आपकी नज़रें किसी को हमेशा ढूंढती रहती है. ये जेस्चर से आप काफ़ी नर्वस लग सकते हो, और अगर आपको कोई आपका फेमिलर कॉन्टैक्ट नहीं मिला तो आप और भी नर्वस हो सकते हो. आप ये जेस्चर जान के अवॉइड कीजिए. पार्टी में ऐसे वॉक करिए जैसे आप उस सराउंडिंग से बहुत फेमिलर हो और दोस्ती करने के लिए ओपन हो. सबसे आई कॉन्टैक्ट कीजिए. आपके आईज से पूरी पार्टी को स्कैन कीजिए और देखिए कि आप किससे दोस्ती करना चाहते हैं, किससे बिजनेस नेटवर्किंग करना चाहते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं. उनसे बात करने से हिचकिचाइए नहीं, उनके सामने कॉन्फिडेंटली जाइए और अपना हैंड फॉरवर्ड कीजिए एक कॉन्फिडेंट हैंडशेक के लिए. एक हैंडशेक आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये हैंडशेक दर्शाता है आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्रोफेशनलिज्म. कॉन्फिडेंट लगिए और अपने जेस्चर्स कॉन्फिडेंटली यूज कीजिए. अगर आप नर्वस लग रहे हो या तो फिर आपके हैंड्स क्रॉस करके बैठे हो तो लोग आपसे ओपन नहीं रहेंगे, आपसे आके अप्रोच नहीं करेंगे, आपसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे. जब आप पार्टी में खाना खाते हैं तो कुछ तौर तरीकों को दिमाग में रखिए. ये दिमाग में रखने से आप कंफर्टेबल फील करोगे. अगर आपको डिफ़िकल्ट आइटम्स जैसे स्पगेटी हो, पास्ता हो, ये खाना नहीं आता तो आप ऐसा कोई फूड चूज़ कीजिए जो खाने में इजी हो, ताकि आपके जो एक्शंस हैं वो ऑकवर्ड ना रखे. अगर आप लोगों से स्टैंडिंग पोजीशन में बात कर रहे हो तो अपना राइट फुट फॉरवर्ड कीजिए और अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कीजिए जेस्चर्स के लिए. ये पोजीशन बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है. बहुत बार पार्टीज में फ़ोटोज़ बहुत हम क्लिक करते हैं, और कई लोग जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं ये फ़ोटोज़ अवॉइड करते हैं, फ़ोटोज़ में नहीं आते हैं. प्लीज़ ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटी लूज़ ना करें. फ़ोटोज़ अच्छे मार्केटिंग टूल्स होते हैं प्रमोशन करने के लिए. आप ये फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि आप लोगों के साथ मिलते जुलते हो और आपके किन के साथ कॉन्टैक्ट है. कल रात स्वीट सी जो हुई थी बात, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज उसे स्टेयर ना करें, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूस स्टेयर करते रहोगे तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील होगी.